देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज राजभवन में 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश की तरह धूमधाम से मनाया गया। इसमें कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया, वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। सुगम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में सूबे के राज्यपाल के पॉल द्वारा राज्य के कई मिलेनियम वोटर्स को सम्मानित किया गया। जिन युवा मतदाताओं का जन्म 1 जनवरी सन 2000 को हुआ था, वे इस साल 1 जनवरी 2018 को अपने 18 साल की आयु पूरी कर मतदाता बन जाएंगे। ऐसे वोटर्स को मिलेनियम वोटर्स के खिताब से नवाजा गया। टाइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक समारोह किया गया, जिसमें जो नए मतदाता हैं 1 जनवरी 2018 के हुए उनको इलेक्शन आईडी कार्ड दिए गए और उनको मतदाता के रूप में इनरोल किया गया। ये समारोह इसलिए आयोजन किया गया ताकि पूरे देश में मतदान का महत्व पता लगे और ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए। ये मतदान एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रत्येक व्यक्ति का, जिम्मेदारी से भाग लेना। मैंने बच्चों को जो संदेश दिया उसमें उनको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है मतदान करने का, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो ड्यूटीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। देख रही है क्राइम स्टोरी।